दिल का दौरा पड़ने से सुषमा स्वराज का निधन, नहीं रही देश की सबसे बड़ी नेता। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज को गंभीर हालत में एम्स में भर्ती कराया गया था। सुषमा स्वराज की हालत काफी नाजुक बनी हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नितिन गडकरी अस्पताल पहुंचे, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एम्स पहुंचे। बता दें कि सुषमा स्वराज की तबीयत काफी लंबे समय से खराब थी। अपनी मौत से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने आर्टिकल 370 हटने के बाद ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी थी, लेकिन 3 घंटे में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। आज पूरा देश स्तब्ध है, पूरा देश भावुक हो चुका, क्योंकि देश की इतनी बड़ी नेता अचानक उनके बीच से चली जाती है। जो नेता संसद में बोलते हुए संसद को हिला देती थी, आज वो चुप हो चुकी। पूरा देश हैरान है। महज 67 साल की उम्र में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विदेश मंत्री के पद पर रही सुषमा स्वराज विदेश में फंसे भारतीयों की मदद करने और भारतीयों के आने की कोशिश कर रहे विदेशियों की मदद कर लगातार सुर्खियों में रही। मोदी सरकार की तेज सर्रार मंत्रियों में से एक कही जाने वाली सुषमा स्वराज ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया, और जब कश्मीर से 370 धारा हटी तो सुषमा स्वराज का निधन हो जाता। आज वाकई गला रुंध रहा है, आंखें भर रही हैं और सोच रहे हैं लोग कि उतना बड़ा नेता आज उनके बीच से कैसे चला जाता है। सुषमा स्वराज के जाने से इतनी बड़ी क्षति हुई जिसे देश कभी भर नहीं सकता। वाकई भावुक लम्हा है, पूरा देश चुप है।